हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं बाय द वॉइस क्वेश्चन आंसर फिजिक्स प्रैक्टिकल। और इसमें आज हम जो करने वाले हैं प्रैक्टिकल का वाइप वो करने वाले हैं एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको इस वाइवा वॉइस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं या इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी होगी वो मिल जाएगी। और इस वीडियो के एंड में आपको जो इससे प्रीवियस वीडियोस हैं वाइवा वॉइस के, आपको वहां से उसके लिंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बैंड गैप। तो सबसे पहले हम एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें यही पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड गैप है क्या। तो दिस इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। क्योंकि अभी हम बैंड गैप सेमीकंडक्टर का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सेमीकंडक्टर लिखा है। सेमीकंडक्टर ऑलवेज पजेस एन एनर्जी गैप बिटवीन इट्स कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जो जितनी एनर्जी हम देते हैं दैट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी बैंड गैप। द मेजर ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गैप बिटवीन टू बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैंड गैप इन गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में बैंड गैप कितना होता है, कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। कोई एनर्जी नहीं चाहिए। देयर इज नो बैंड गैप एज टू बैंड्स ओवरलैप इन कंडक्टर। गुड कंडक्टर के केस में वो ओवरलैप करते हैं। हाउ रिवर्स करेंट इज प्रोड्यूस अक्रॉस अ पीएन जंक्शन एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स वायर देन करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स हुज कंसंट्रेशन इज डिपेंड ऑन एनर्जी गैप और बैंड गैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पे इन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा क्यों बिहेव करता है। इन सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड डज नॉट हैव सफिशियंट एनर्जी टू क्रॉस फॉरबिडन एनर्जी गैप, सो डू नॉट रीच इन कंडक्शन बैंड, दिस बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉन्टेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड और कंस्टिट्यूट अ पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैलेंस बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जी व्हिच पर्सिस्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। हियर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर सिचुएटेड एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस बैंड कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडक्शन बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जी पर्सिस्ट बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टिंग मटेरियल, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये मूव करते हैं कंडक्शन के लिए, उस बैंड को, उस रेंज को कंडक्शन बैंड कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड्स आर देयर एंड व्हाट आर दोज मटेरियल। तो सॉलिड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशंस बता सकते हैं, दूसरा कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो अभी हम कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दोज नॉन मेटेलिक मटीरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द करंट कैपेबल ऑफ कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटर ये है और कंडक्टर्स क्या होंगे, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और इजिली जो करंट है वो कंडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इन रिलेशन ऑफ एनर्जी बैंड गैप।
In conductor, the valence and conduction band overlap each other. कंडक्शन में कंडक्टर्स में क्या होता है, जो बैंड गैप होते हैं वो ओवरलैप कर जाता है इस तरीके से। ये नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और ये ओवरलैप कर रहे हैं। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, अगर ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्टर बैंड है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता है। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर से कम होता है। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। इन इंसुलेटर देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। व्हाइल इन सेमीकंडक्टर दिस गैप इज नॉट टू लार्ज, सो दैट एट रूम टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी गेन बाय सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड इज सफिशियंट टू मेक दम जम्प कंडक्शन बैंड एंड क्रॉसिंग दिस गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसुलेटर? दो सब्सटेंस विच हैव मोर एंड मोर गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इन दीज मटीरियल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? दोज सब्सटेंसेस विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एनर्जी गैप ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन 0.5 to 1.1 eV, फॉर जर्मेनियम 0.5 to 0.7 eV। नेम सम सेमीकंडक्टर्स, कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम बताओ। दो तो मैंने यहाँ लिखी रखे हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, फिर उसके बाद सीलियम, इंडेनियम। और सेमीकंडक्टर्स भी टू टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक और होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जब दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मिलाकर हम सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करते हैं। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? Free electron are those electron which have become delodged from outer shell of atom. Describe the structure of germanium. Germanium ka structure batana hai. Germanium is trivalent atom. That is, it has four valence electron in outer shell which can react with four element of outer atoms. Its atomic number is 32. The crystal study shows that germanium has crystalline structure and its atom assume the special diamond structure. और मुझे पता है इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस रखे हैं मैंने एनर्जी बैंड गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू अ जर्मेनियम क्रिस्टल। जर्मेनियम क्रिस्टल और जिस भी क्रिस्टल का हम बैंड गैप कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें भी हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डोपिंग इन जर्मेनियम क्रिस्टल। क्या इफेक्ट आता है जर्मेनियम क्रिस्टल में? कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल इज एनहांस्ड बाय एडिंग अ इंप्योरिटी फ्रॉम फिफ्थ एंड थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल, एग्जांपल आर्सेनिक और एंटीमनी फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप एंड इंडेनियम फ्रॉम थर्ड ग्रुप। व्हेन एंटीमनी और आर्सेनिक हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, they introduce in a germanium crystal, the fifth electron of an impurity atom does not find the place in a symmetrical covalent bond structure. It is free to move about through the crystal. These free electrons are available as a current carriers. So, tab n-type semiconductor form hota hai. On what factor does conductivity of germanium crystal depend? The conductivity of a crystal depend upon the type and amount of the impurity added. What is n-type germanium? Germanium crystal when doped with pentavalent impurity such as arsenic or antimony is known as n-type germanium, because negative particle, that is electron, are in chief carrier of a electricity. Next question is, what is donor impurity? When pentavalent impurity like arsenic or antimony is added to a pure germanium, the crystal
then impurity atom donates electron to the crystal conductivity, therefore it is called donor impurity. हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन कंडक्शन थ्रू एन टाइप जर्मेनियम. ऑलमोस्ट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं ये. व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज इंट्रोड्यूस इन प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, फोर आउट ऑफ फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ इंप्योरिटी एटम दैट इज आर्सेनिक विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम एटम. तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके साथ वो बॉन्ड कर लेता है. The remaining fifth electron is free to move about the crystal under the action of electric field. These electron donates by impurity atom will move towards the positive terminal of a voltage source. Relatively few donor atoms with germanium permit a fairly small electric current through the germanium crystal. तो हमें क्या है, एक बॉन्ड से एक free electron मिल जाता है, क्योंकि जो आर्सेनिक है उसमें आउटर मोस्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फोर तो बॉन्ड्स में हो जाते हैं और एक हमें फ्री मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पी टाइप जर्मेनियम? पी टाइप जर्मेनियम क्या होता है? व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एडेड टू इंट्रिंसिक योर प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम, इट इज सैड टू बी पी टाइप जर्मेनियम बिकॉज पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज होल आर द चीफ कैरियर्स और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. What is acceptor impurity? When trivalent impurity is added to a germanium crystal, the impurity atom contribute to hole are called acceptor impurity because they accept. तो trivalent होती है तो तीन bond बना लेता है, तो जिसकी वजह से एक bond नहीं बन पाता है, क्योंकि जो germanium उसमें outermost में चार electrons होते हैं, तो इसलिए इसको acceptor impurity कहते हैं. आगे हैं, next question, explain the holes कंडक्शन थ्रू पी टाइप जर्मेनियम. व्हेन अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज इंट्रोड्यूस इन अ जर्मेनियम क्रिस्टल, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ इंप्योरिटी एटम विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम एटम. द इंप्योरिटी एटम बोरो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग जर्मेनियम एटम हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इन अ देयर प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन within the crystal will move towards the positive terminal of the voltage source and jump into a available hole of indium near the positive terminal. Since there are no free electrons available, the deflected indium atom near positive terminal steal electron from their neighbors to the left by disturbing their covalent bond. This create new holes in the adjacent atom to the left of the those that have been filled. As electron move towards the positive terminal, the hole will move towards the negative terminal. As the hole reach the negative terminal, electron enter in the crystal and combine with the holes, this cancelling them. At the same time, losing held electrons and filled the holes near the positive terminal are attracted away from their atoms into a positive terminals, which again drift towards the negative terminal. This current current occur by means of holes inside the crystal. तो क्या होगा, होल शिफ्ट होता जाएगा. Next question, what do you mean by holes? Hole indicate the deficiency or absence of electron. It behaves like a positive charge particle when electric field is applied across the crystal. Next question, how many these type of semiconductor are there? There are three type of semiconductor, intrinsic or pure semiconductor, extrinsic or impure semiconductor, or third is compound semiconductor. जो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, compound semiconductor के example है जैसे ZnO, ZnS, CdS, PbS, ठीक है? तो what is intrinsic semiconductors? Intrinsic semiconductor is the pure semiconductor. In these semiconductor, if the temperature increases, the conductivity is also increases. At higher temperature due to collision, some electrons absorb energy and race to conduction band. Then in their place, in valence band, holes are
क्रिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? अ प्योर और नेचुरल सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, बट इट हैज स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज एंड सम पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू द क्रिस्टल और जर्मेनियम, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. चलिए ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच रहे हैं हम, 2 to 3 स्ट्राइक्स ही बच रही है हमारी. What do you mean by Fermi energy level? The average energy of charge carrier is calculated by Fermi level. In pure semiconductor, Fermi level is exactly at the center of valence band and conduction band. In p-type semiconductor, Fermi level near to the valence band. In n-type semiconductor, Fermi level is near to the valence band. What are the values of energy gap of silicon and germanium? Silicon and germanium energy gap values are 1.1 and 0.7 eV respectively at 200 centigrade. What is the effect of doping on depletion region? As the doping level increases, width of depletion region decreases. जैसे जैसे doping बढ़ाएंगे depletion region कम होता जाएगा. Next question है, what is the effect of temperature on energy gap? As temperature increases, the energy gap decreases. What are the factor on which energy gap depends? ये हम semiconductor के लिए बात कर रहे हैं. It depend on a material and temperature. और ये last slide है हमारी. What is n-type semiconductor? If we add pentavalent impurity such as arsenic to the pure semiconductor, then this is called n-type semiconductor. What do you mean by extrinsic or pure semiconductor? A pure semiconductor after doping is called extrinsic or impure semiconductor. We can add either trivalent or pentavalent impurity. तो हमारा ये स्लाइड खत्म हो गया है, वीडियो कंप्लीट हो गया है और बैंड गैप के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं वाइव के. आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. बेस्ट ऑफ लक.